नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो बेसिक का वीडियो था आप उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स बताया था एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, ओके, जो इस एक्सरसाइज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस भी अभी सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक वाला वीडियो ज़रूर से देखना। चलिए अभी हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो अभी आप इसको समझना, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/2। इसका मतलब क्या, 3 मतलब रोज, मतलब 3 रोज, 2 मतलब 2 कॉलम्स, समझ में आ रहा है आपको। मतलब जो आपका मैट्रिक्स होगा ना उसमें 3 रोज होंगे एंड 2 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयर फॉर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 3 रोज, मतलब A1 होगा, A2 एंड A3 एंड 2 कॉलम्स। तो देखो ये एक कॉलम हो गया राइट, और दूसरा कॉलम ये वाला होगा, मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा। देखिए यहाँ पर A11 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ का जो एलिमेंट रहेगा वो फर्स्ट रो में रहेगा एंड फर्स्ट कॉलम में, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड रो है ना फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे करके हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, यहाँ पर इसका ऑर्डर लिख देते हैं 3/2, मतलब 3 रोज हैं एंड और 2 कॉलम्स हैं, ओके। अब इसमें फर्स्ट ए आई जे क्या दिया है आप देखना क्वेश्चन में, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आई माइनस जे स्क्वायर अपॉन फाई माइनस आई, ठीक है, ऐसे करके दिया है। तो यहाँ पर आप देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21, A22, A31, A32। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के ना वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूँगी A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी A11 का मतलब क्या, I का वैल्यू भी 1 है एंड J का वैल्यू भी क्या है 1 है। तो यहाँ पर I के प्लेस पर मैं 1 लिखूँगी, J के प्लेस पर भी 1 लिखूँगी, इसका स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I का मतलब क्या 1, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस 1 किया तो 0 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1 किया तो 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 0, मतलब A11 कितना आया 0, समझ में आ रहा है आपको। फिर मुझे क्या चाहिए A12, तो मैं A12 निकालती हूँ। तो देखो इस 1 का मतलब I का वैल्यू, इस 2 का मतलब J का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है I, तो 1 माइनस जे के प्लेस पर 2 लिखना है, द होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 5 माइनस I, यहाँ पर क्या है 1 है राइट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 1, तो 1 माइनस 2 करिए माइनस 1, इसका स्क्वायर अपॉन 4, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 4, मतलब A12 क्या आया 1/4, समझ में आ रहा है आपको। फिर A21 फाइंड करेंगे, तो A21 भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। देखो I का मतलब 2, J का मतलब 1, तो I के प्लेस पर 2 लिखेंगे, J के प्लेस पर 1, द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 1/3, ठीक है। तो A21 कितना मिला 1/3। अब हमें क्या चाहिए A22, तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं इसका वैल्यू, A22 इज इक्वल टू I के प्लेस पर 2 लिखेंगे, J के प्लेस पर भी 2,
द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, सो 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो a 2 2 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर a 3 1 चाहिए हमें, तो a 3 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर i के प्लेस पर हमें 3 लिखना है, j के प्लेस पर 1 लिखना है, द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस, i क्या है यहाँ पर, 3 है, 3 माइनस 1 किया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 किया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 2 4, मतलब a 3 1 मुझे क्या मिला, 2। फिर a 3 2 इज इक्वल टू, i के प्लेस पर 3 लिखूंगी, j के प्लेस पर 2, द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 2, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/2, मतलब मुझे a 3 2 क्या मिल गया, 1/2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी दे आर फॉर a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होगा, देखो a 1 1 कितना आया है, 0 आया है ना, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, a 1 2 कितना आया, 1/4, तो मैंने यहाँ पर 1/4 लिख दिया। फिर a 2 1 कितना आया है, 1/3, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1/3। फिर a 2 2 कितना आया है, 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर a 3 1 कितना आया है, 2। फिर a 3 2 कितना आया है, 1/2, तो यहाँ पर मैं 1/2 लिख दूंगी। समझ में आ रहा है आपको, तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स a। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था ना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम सेकेंड वाला करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपका सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 3 जे। तो देखो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम ए 1 1 फाइंड करते हैं पहले। देखो I के प्लेस पर 1 लिखना है, J के प्लेस पर 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, मतलब a 1 1 आपको -2 मिला। फिर a 1 2, तो a 1 2 क्या होगा, देखो 1 माइनस 3 इंटू J के प्लेस पर 2 लिखना है, तो 1 माइनस 3 2 6, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5। फिर a 2 1 हमें चाहिए, तो यहाँ पर i के प्लेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2, तो यहाँ पर 2 माइनस, और j के प्लेस पर 1, 3 इंटू 1, तो 2 माइनस, 3 1 से 3, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो -1, राइट। फिर a 2 2 क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 2 माइनस 3 2 से 6 कितना आ जाएगा, -4। फिर हमें क्या चाहिए, a 3 1, तो a 3 1 इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 3 इंटू 1 हो गया, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 1 3, 3 माइनस 3 किया तो 0, ठीक। फिर हमें क्या चाहिए, a 3 2 चाहिए, तो a 3 2 इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस 3 इंटू 2, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 2 6, तो 3 माइनस 6 करेंगे तो -3 आएगा, राइट। तो देखो हमें ये सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी दे आर फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या होगा, देखो ए 1 1 कितना आया है, -2, फिर ए 1 2 कितना आया है, -5, फिर a 2 1 कितना आया है, -1, a 2 2 कितना है, -4, a 3 1 0, a 3 2 -3। ओके, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स a, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अब हम थर्ड वाला देखेंगे, ठीक है, तो थर्ड वाला मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे द होल क्यूब अपॉन 5। तो हम यहाँ पर a 1 1 फाइंड करेंगे, तो देखो i के प्लेस पर 1 रखेंगे, j के प्लेस पर भी 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 द होल क्यूब अपॉन 5 कितना मिलेगा हमें, 1 प्लस 1 2 का क्यूब अपॉन 5, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, अपॉन 5।
तो ये हमें क्या मिल गया ए वन वन, फिर ए वन टू चाहिए तो आई के प्लेस पर वन रखेंगे, जे के प्लेस पर टू, वन प्लस टू थ्री का क्यूब अपॉन फाइव, तो थ्री का क्यूब कितना होगा, थ्री थ्री सा नाइन, नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव, ये मिला हमें ए वन टू। अब हमें क्या चाहिए, ए टू वन चाहिए, तो ए टू वन इज इक्वल टू आई के प्लेस पर टू रखना है और जे के प्लेस पर वन रखना है, टू प्लस वन थ्री का क्यूब अपॉन फाइव कितना मिलेगा हमें, ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव, ओके ए टू टू इज इक्वल टू आई के प्लेस पर टू एंड जे के प्लेस पर भी टू, तो टू प्लस टू फोर का क्यूब अपॉन फाइव, फोर का क्यूब करिए तो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर ज़ा सिक्सटी फोर अपॉन फाइव, ठीक। फिर हमें क्या चाहिए, ए थ्री वन चाहिए, तो ए थ्री वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो थ्री प्लस वन द होल क्यूब अपॉन फाइव, थ्री प्लस वन फोर का क्यूब अपॉन फाइव, फोर का क्यूब क्या हो जाएगा, सिक्सटी फोर अपॉन फाइव, एंड देन ए थ्री टू, तो ए थ्री टू क्या होगा, देखो ए थ्री टू इज इक्वल टू थ्री प्लस टू द होल क्यूब अपॉन फाइव, थ्री प्लस टू फाइव का क्यूब अपॉन फाइव, तो कितना मिलेगा आपको, देखो फाइव का क्यूब कितना होता है, फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव सा वन हंड्रेड फाइव, यहाँ पर आ गया वन हंड्रेड फाइव अपॉन फाइव। अब इसको हम फाइव से कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइव इज़ अ फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, मतलब आपको क्या मिलेगा, ट्वेंटी फाइव, ठीक। तो ये हमें सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में ना पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी दे आर फॉर ए इज इक्वल टू ए वन वन कितना है, एट अपॉन फाइव, ए वन टू ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव, फिर ए टू वन ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव, थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं, ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव, ए टू टू सिक्सटी फोर अपॉन फाइव, ए थ्री वन सिक्सटी फोर अपॉन फाइव, ए थ्री टू ट्वेंटी फाइव, ओके। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है थ्री बाई टू, ओके। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर वन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया, इसमें क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो, अ कॉलम, अ स्क्वायर, अ डायगोनल, अ स्केलर, अ यूनिट एंड अपर ट्रायंगुलर, अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट वन देखो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो किस टाइप का मैट्रिक्स है। आप इसको देखते ही बोल दोगे कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन और किसी टाइप का ये मैट्रिक्स है क्या, सोचिए। तो यहाँ पर देखो डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, ज़ीरो है। तो जब भी डायगोनल के बिलो के एलिमेंट्स ज़ीरो ज़ीरो होते हैं तब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझ में आया। तो ये है आपका डायगोनल एंड डायगोनल के बिलो के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो। देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझ में आया आपको। तो ये है इसका आंसर, ओके ये अलग है, ठीक। अब सेकेंड देखिए ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो इसमें बस एक ही कॉलम है, मतलब ये है आपका कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें देखो एक ही रो है, मतलब ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, तो यहां पर मैं लिख दूंगी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट ये देखो ये वाले मैट्रिक्स को, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन यहां पर देखो इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या है, ज़ीरो है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है
ये है आपका डायगोनल, राइट। तो ये एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो डायगोनल एलिमेंट्स किस में सेम होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में, याद आया आपको? तो ये है स्केलर मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट, अब यहां पर देखो नेक्स्ट, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, और कुछ इसमें है क्या? तो देखो यहां पर ये है आपका डायगोनल, और डायगोनल के अबोव जो एलिमेंट है वे सभी क्या है, जीरो जीरो है। मतलब ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं यहां पर लिखूंगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो यहां पर देखना ये आपका डायगोनल है, राइट। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वे सभी क्या है, जीरो है। देखो इधर तीन जीरो, इधर तीन जीरो, मतलब ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वे सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। फिर अगला देखना, यहां पर ये जो दिया गया मैट्रिक्स है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो देखो यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वे सभी क्या है, सेम सेम है। मतलब ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये बात तो पक्की हो गई। और इसमें भी देखना, ये जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स ये सभी क्या है, वन है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो हम ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं लिख दूंगी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर देखिएगा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। मतलब आपको यहां पर क्या बताना है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। इसमें फर्स्ट वन, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले इसको आप कंसिडर करना। यहाँ पर लिखो लेट ए इज इक्वल टू, जो दिया है उसको लिख दो, ए बी सी, फिर पी क्यू आर, फिर टू ए माइनस पी, टू बी माइनस क्यू, टू सी माइनस आर, ठीक। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में मैंने आपको क्या बताया था, कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आता है तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आता है, तो फिर नॉन सिंगुलर होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का ना डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो हम ऐसे वर्टिकल बार खींचते हैं ना, ए बी सी पी क्यू आर, टू ए माइनस पी, टू बी माइनस क्यू, टू सी माइनस आर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो ये जो पहला वाला है ना, इसे आपको लिखना है क्या है, ए, तो इसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों हो जाएंगे कैंसल। देखो आपको इसे नहीं देखना है, इसे नहीं देखना है, ये जो चार एलिमेंट्स बचे गए ना, इनको आप यहाँ पर लिख लो, क्यू आर, फिर टू बी माइनस क्यू, टू सी माइनस आर, ओके। फिर क्या आता है, तो यहाँ पर माइनस आता है, ठीक। अब बी को लिखना, सेकेंड वाले को, तो बी को मैं लिख देती हूँ। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हो जाएंगे कैंसिल। देखो आपको ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, बाकी जो चार एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, उन्हें आप यहाँ पर लिख लो,
पी लिखेंगे, आर लिखेंगे, फिर टू ए माइनस पी, फिर टू सी माइनस आर। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे माइनस आया, अब यहाँ पर प्लस आएगा, पहले माइनस देन प्लस आता है, उसके बाद आपको सी लिखना है। सी लिख लिया मैंने, तो इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हो जाएंगे कैंसिल। देखो इसे नहीं देखना है एंड इसे नहीं देखना, अब जो चार एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको आप लिख लो, पी क्यू, टू ए माइनस पी, फिर टू बी माइनस क्यू। इतना आपको समझ में आया? अब क्या होगा देखते जाइए, यहाँ पर मैंने ए लिखा, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो हमें क्या करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्यू का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आर का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्यू को मैं ऐसे बाहर लिखूंगी, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी टू सी माइनस आर। समझ में आ रहा है आपको? फिर यहाँ पर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, उसके बाद मैं आर को लिखूंगी, ब्रैकेट में लिख दूंगी टू बी माइनस क्यू। इतना क्लियर है आपको? फिर यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लिख दिया एंड बी। उसके बाद देखो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, तो p का मल्टीप्लाई 2c माइनस आर में करूँगी, यहाँ पर माइनस आएगा, r का मल्टीप्लाई 2a माइनस पी में करूँगी, फिर यहाँ पर प्लस c। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p इन ब्रैकेट 2b माइनस क्यू माइनस क्यू 2a माइनस पी। ठीक, अब उसके बाद देखिए a को मैंने बाहर लिखा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो q इंटू टू सी करेंगे तो टू सी क्यू माइनस क्यू इंटू आर करेंगे तो क्यू आर माइनस आर इंटू टू बी करेंगे तो माइनस टू बी आर आएगा, फिर r इंटू क्यू करेंगे तो प्लस क्यू आर आएगा। प्लस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस बी। अब p इंटू टू सी करेंगे तो टू सी पी, फिर p इंटू आर करेंगे तो r पी, पी आर लिखो या फिर आर पी लिखो चलेगा। अब माइनस आर इंटू टू ए, तो माइनस टू ए आर माइनस आर इंटू माइनस पी, तो प्लस पी आर, आर पी लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर सी है तो सी लिखा, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो पी इंटू टू बी, तो टू बी पी, फिर पी इंटू क्यू पी क्यू माइनस क्यू इंटू टू ए, टू ए क्यू आएगा यहाँ पर, राइट, फिर क्यू इंटू पी प्लस पी क्यू आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया? मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ब्रैकेट के अंदर ही इनको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ओके। फिर इसमें माइनस आर पी प्लस आर पी कैंसिल, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, इतना हमने कैंसिल कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू टू सी क्यू, टू ए सी क्यू आएगा माइनस ए इंटू टू बी आर, तो टू ए बी आर माइनस बी इंटू टू सी पी, क्या हो जाएगा टू बी सी पी, फिर माइनस बी इंटू टू ए आर, तो प्लस टू ए बी आर, है ना, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस यहाँ पर सी इंटू टू बी पी, तो क्या मिलेगा आपको टू बी सी पी, सी इंटू माइनस टू ए क्यू, क्या मिलेगा मुझे माइनस टू ए सी क्यू। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, तो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर देखना टू ए सी क्यू और यहाँ पर टू ए सी क्यू, देखो ये प्लस में है या माइनस में है, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, फिर माइनस टू ए बी आर एंड प्लस टू ए बी आर दोनों हो गए कैंसिल, फिर माइनस टू बी सी पी माइनस टू बी सी पी दोनों हो गए कैंसिल। देखिए यहाँ पे और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला, जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो,
इट मीन्स ये जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? देयर फॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. अब यहाँ पर देखो आपका सेकेंड सब क्वेश्चन ये दिया गया है. तो इस मैट्रिक्स को मैंने कंसिडर किया है बी. ठीक, मुझे क्या यहाँ पर बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 505 199 100 699 105. अब हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी जिसमें क्या था कि हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे? देखो इसमें ना, ये जो आपका सी टू है इसमें से हम 99 को कॉमन लेंगे एंड इसमें से हम 5 को कॉमन लेंगे. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय टेकिंग 99 एंड 5 कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? देखो मैंने क्या किया है, 99 को कॉमन ले लिया है एंड 5 को कॉमन ले लिया है. तो यहाँ पर 516, इसमें से मैंने 99 को कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा. समझ में आ रहा है आपको? इसमें से मैंने 5 को कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 आएगा, 5 1 5, फिर 5 2 10, 0, यहाँ पर 20 आ जाएगा. एंड यहाँ पर 5 2 10, 5 1 5, मतलब यहाँ पर 21 आएगा. समझ में आ रहा है मैंने आपको ये कैसे लिखा? देखो यहाँ पे क्या है, 5 है तो मैंने इसको बाहर ले लिया तो बचा क्या, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है ना. तो 5 1 5, मतलब दोबारा से अगर मैं इसको अंदर डालना चाहूँ तो 5 1 5, फिर से वापस से वही आ जाएगा. वैसे ही यहाँ पर मैंने 20 लिखा तो 5 × 20 करेंगे दोबारा से 100 आएगा, फिर 5 × 21 करेंगे तो फिर क्या आएगा, 105 आ जाएगा. क्लियर है आपको इतना? अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो 99 × 5 लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 99 × 5. अब ब्रैकेट में क्या आएगा देखते जाइएगा. यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था लेकिन मैं आपको वैसे नहीं बता रही हूँ. देखो यहाँ पे 5 को मैं बाहर लिखूँगी. ठीक, अभी ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया कैंसल, 1 × 21 करिए तो क्या मिलेगा आपको? 21. तो यहाँ पर लिखना है 21 माइनस, अब 1 × 20 करिए तो 20, यहाँ पर 20, फिर क्या आता है? माइनस आता है. उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल, 1 × 21 21, तो यहाँ पर लिखा 21 माइनस 6 × 20, तो 6 × 2 से क्या होता है, 12, मतलब 120. फिर क्या आता है? प्लस, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 लिखा मैंने. ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, 1 1 1 माइनस 6 1 6. ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 9 45 कैरी 4, 5 9 45 46 47 48 49, है ना, 49 हो जाएगा, 495. और यहाँ पर क्या आएगा? देखो 521 माइनस 21 आएगा, माइनस 0, 21 माइनस 120 कितना मिलेगा हमें? तो 120 माइनस 21 9, और यहाँ पे 99 आएगा क्या? तो हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 99. ओके, ये आएगा माइनस में. समझ में आ रहा है आपको? फिर प्लस 1 1 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 5. ठीक, 495, 5 1 5, यहाँ पर 0
इंटू 99 क्या मिलेगा मुझे, ज़ीरो, और यहाँ पर माइनस फाइव है ना, और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस फाइव, ठीक, 495। यहाँ पर देखो फाइव माइनस ज़ीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा, फिर फाइव माइनस फाइव करेंगे तो ज़ीरो। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 495 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको क्या मिला, ज़ीरो मिला। यहाँ पर लिख देना डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सो देयरफॉर बी इज अ कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपका थर्ड मैट्रिक्स दिया गया है, तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, तो इसको आप ए कंसीडर कर सकते हो, बी कंसीडर कर सकते हो, सी कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको सी कंसीडर करूँगी, लेट सी इज इक्वल टू 357 माइनस 214 325, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, इस मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट निकालूंगी, सो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 357 माइनस 214 325, ओके। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, देखो 3 को लिखेंगे पहले, ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 माइनस 2 4 ज़ा 8, फिर माइनस आता है 5 को लिखेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, माइनस 2 इंटू 5 तो माइनस 10 आएगा, फिर माइनस 3 इंटू 4 3 4 ज़ा 12, फिर प्लस 7 को लिखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, माइनस 2 इंटू 2 तो 2 2 ज़ा 4 3 इंटू 1 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 3 इंटू 5 माइनस 8 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 3 माइनस 5, यहाँ पर माइनस 10 माइनस 12 तो माइनस 22 मिलेगा, ठीक, प्लस 7 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, उसके बाद 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 माइनस है तो माइनस माइनस 5 माइनस 22, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 टू ज़ा 10 5 टू ज़ा 10 कैरी 1 जो बचा था, देखो यहाँ पे 110 आ गया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, समझ में आया। फिर यहाँ पर देखो 7 7 ज़ा 49 प्लस माइनस माइनस, अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस 9 और माइनस 49 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 का 8 कैरी 1 4 1 5 मतलब 58, माइनस 58 आया प्लस 110, तो 110 माइनस 58 करिए तो यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो 2, उसके बाद यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5 कितना आ गया 52, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 52। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी मुझे कितना मिला, 52। तो देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, देखो यहाँ पर मैं लिखूँगी कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो देयरफॉर सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ वन, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट डी इज इक्वल टू 7 5 माइनस 4 7, ठीक। आपको ये बताना है कि ये डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ डी आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 माइनस 4 7, ओके। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 7 7 सा 49 माइनस माइनस 4 इंटू 5 तो 4 5 सा क्या होता है 20, माइनस है तो माइनस 20, अब 49 माइनस माइनस प्लस 20 कितना आएगा,
69. डिटर्मिनेंट ऑफ डी कितना आया? 69 आया. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर डी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया. अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्या है. फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ये मैट्रिसेस क्या है, सिंगुलर हैं, तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, तो ये आपका देखो मैट्रिक्स दिया गया है. तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे. यहाँ पर लिखना लेट ए इज इक्वल टू 7 3 -2 k. ठीक. अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर है. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ये क्या है, गिवन है. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो. राइट. तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या, वर्टिकल बार में 7 3 आएगा माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो. अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 इंटू के करेंगे तो 7k माइनस माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो. 7k माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो. के इज इक्वल टू 6 को उधर करेंगे तो माइनस 6, 7 को उधर लेकर के जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा 7. मतलब आपको k का वैल्यू क्या मिला, माइनस 6 अपॉन 7. समझ में आ रहा है. तो ये है आपका आंसर. देखो k का वैल्यू हमें निकालना था जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया. ओके, अब सेकेंड वन. ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखो. तो यहाँ पर लिखना लेट b इज इक्वल टू 4 3 1 7 k 1 10 9 1. ठीक. क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि B इज अ सिंगुलर. ये क्या है, गिवन है. सो देयर फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो. अब डिटर्मिनेंट ऑफ B मतलब वर्टिकल बार में आएगा 4 3 1 7 k 1 फिर 10 9 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो देखो 4 को यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, k इंटू 1 करेंगे तो k माइनस 9, इंटू 1 करेंगे तो 9, फिर माइनस 3. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 7 1 7 माइनस 10 1 10 प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा. फिर उसके बाद इसमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 7 9 63 माइनस 10 इंटू के करेंगे तो 10k. अब यहाँ पर देखिएगा 4 इंटू के करेंगे तो 4k माइनस 4 9 कितना होता है 36 माइनस 3, 7 - 10 करेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 × 63 करेंगे तो 63, 1 × -10k करेंगे तो -10k आएगा. ठीक. अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए 4k माइनस 10k क्या मिलेगा आपको, -6k, फिर -36 प्लस 63. एक काम करते हैं, पहले इसको भी ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं फिर आगे करते हैं. तो -3 × -3 3 3 9 प्लस 9 हो जाएगा प्लस 63 बस. ठीक. अब क्या होगा, देखो -6k मैंने लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए -36 प्लस 9 प्लस 63 कितना मिलेगा आपको, 63 प्लस 9 करिए तो 9 प्लस 3 12 72. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 72
टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो आप हर जगह लिख देना। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो 72 माइनस 36 करिए, 72 माइनस 36, 12 माइनस 6, 6, यहाँ पर 6 माइनस 3 कितना मिलेगा आपको, 3, मतलब मुझे क्या मिलेगा 36। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी माइनस 6 के प्लस 36, ओके, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे प्लस 36 कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, 72, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस 36 आएगा। ठीक, अब इसको आगे करते हैं, तो देखिए मैं क्या करूँगी, 36 को उस साइड लेकर के जाऊँगी, तो माइनस 6 के इज इक्वल टू माइनस 36 हो जाएगा, फिर k इज इक्वल टू माइनस 36 अपॉन माइनस 6 है ना, ये देखो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में, जब उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 वन से 6, 6 सिक्स 36, मतलब k का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 6, ओके। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब यहाँ पर थर्ड सब क्वेश्चन देखो, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर आप के का वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट सी इज इक्वल टू के माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है, गिवन है, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी का मतलब देखो के माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। k माइनस 1 है तो k माइनस 1 को ऐसे हम बाहर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो जाएंगे कैंसल, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 माइनस, माइनस 2 इंटू 2 करिए, 2 टू सा 4 मतलब माइनस 4, यहाँ पे पहले से माइनस है मतलब प्लस 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल, 3 4 12 माइनस 1 2 2, फिर क्या आता है प्लस 3, यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, 3 into -2 3 2 6 1 1 1। अब देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर के माइनस 1 4 + 4 8 माइनस 2 12 - 2 10 + 3 -6 -1 - 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 8 into k करेंगे तो 8k माइनस 8 1 8 माइनस 2 10 20 3 7 21 यहाँ पे माइनस है तो -21 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 8k देखो तीनों भी माइनस में है तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 20 + 21 कितना हो जाएगा 41, 41 प्लस 8 49, मतलब यहाँ पर आएगा -49 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब k को इधर रखते हैं बाकी सबको उधर, तो जब 49 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब k का वैल्यू मुझे क्या मिला, 49 अपॉन 8, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया k का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।